हेलो एंड वेलकम टू एम ए टीवी कश्मीर इन फोकस। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं, अपने इस प्रोग्राम में हम आपको पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर, मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान, यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर और लद्दाख से मुतालिक जानकारियां देते हैं। पाकिस्तान और इंडिया की भी कोई खबर हो जिसका ताल्लुक जम्मू कश्मीर से हो, वो भी हम जेरे बहस लाते हैं। तो पहले आज की जो रूटीन की खबरें हैं वो मैं आपसे शेयर कर लूँ। इस वक्त भारतीय यूनियन टेरिटरी में सिक्योरिटी ऑपरेशन जो फुल थ्रॉटल में है, पांचवें गियर में चला गया और शुमाली कश्मीर के कपवाड़ा जिला में दहशत गर्दों के खिलाफ जो ऑपरेशन जारी है उसमें 2 तारीख को 2 दहशतगर्द हलाक किए गए हैं और वो ऑपरेशन जारी रहा आज तक। आज सुबह तक वो जारी था। तो इसी तरह भारतीय सिक्योरिटी एजेंसी जो है NIA, उन्होंने जम्मू कश्मीर में 12 जो मकामात हैं मुख्तलिफ, उन पर ट्यूजडे की सुबह को रेड्स किए हैं और कल से अवंतीपुरा और पुलवामा, अनंतनाग, श्रीनगर में पुलिस की रेड जो है वो जारी हैं, जबकि जम्मू और पुंछ जिलों में भी छापे मारे जा रहे हैं। इसके अलावा पिछले प्रोग्राम में आपको बताया था विलेज गार्ड्स जो है LOC के साथ जो देहात है वहाँ पे उनकी ट्रेनिंग हो रही है विलेज गार्ड्स की, ताकि अपने अपने गाँव के लोग दिफा कर सकें दहशतगर्दों के घुसपैठ के खिलाफ। इस दौरान नाजरीन तनवीर अहमद नामी लश्कर तैयबा का एक दहशतगर्द शोपियां से गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से एक AK-47, एक मैगजीन, 10 राउंड और एक बैग बरामद हुआ है। G20 की सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए 2 दिन के अंदर अंदर यानी कल सुबह तक जो है वो कंट्रोल रूम बनाया जा रहा है और इसके अलावा श्रीनगर के तमाम जो सेंसिटिव इलाके हैं वहाँ पर उनका सिक्योरिटी जो हिसार है वो बनाया जा रहा है। गाड़ियों की जो है वो रैंडम चेकिंग की जा रही है। शिकारों को डेजिग्नेट किया गया है, जो शिकारे सिर्फ वही उन दिनों में G20 के दिनों में डल झील में उनको इजाज़त होगी ताकि वो मेहमानों को डल झील की सैर करवा सके। 20 टेम्पोज भी मुख्तस किए गए हैं इसी के लिए कि मोजज़ मेहमान जो आएंगे G20 के लिए श्रीनगर में, उनके लिए सफ़र को थोड़ा सा एग्जॉटिक बनाने के लिए 20 टेम्पो रखे हैं। इसके अलावा नाजरीन, अब चलते हैं मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान की तरफ। आपको याद है मैंने बताया था कि जो मिनिस्टर ऑफ तामीरात थे, कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट के जो मिनिस्टर थे, वो गए थे एक गिलगित में एक जगह पे जहाँ बिजली नहीं थी और लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो लोगों ने उनकी गाड़ी पर पत्थर मारे। उस गाड़ी में मजिस्ट्रेट भी थे और एक दो लोग भी थे, तो वो शीशे टूट गए उनके, तो 8 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है इस हवाले से। इसी तरह ढांचे जो है मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में, वहाँ लोड शेडिंग के खिलाफ जो है गंबा बरा के लोग सड़कों पर निकल आए और शराय सियाचिन जो है वो ब्लॉक कर दी। वहाँ पे लोड शेडिंग का जो दौरानिया है वो 20 घंटे रोजाना है और ईद के दूसरे दिन से वहाँ बिजली नहीं है। इसी तरह से मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में नाजरीन, स्कर्दू के इलाके थोरगो बाला में गर्ल्स स्कूल की तालबात ने प्रोटेस्ट किया है कि उनके टीचर्स नहीं हैं और उन्होंने शराय कारगिल ब्लॉक कर दी और लोग जो थे वो आम लोग भी उनके मुजाहरे और धरने में शरीक हुए। इसके अलावा नाजरीन, मैं आपको ये बताता चलूँ कि इस वक्त पाकिस्तानी कब्जे वाले जो जम्मू कश्मीर है वहाँ पे नीलम में 8 मकाम जो है, 8 मकाम बाटा, वहाँ पे भी ईद के दूसरे दिन से बिजली नहीं है। 2 हफ्तों से सैकड़ों खानदान जो है घराने वो अंधेरे में डूबे हुए हैं और लोगों ने अब शराय नीलम पर धरना देने का ऐलान किया है। IMF के अहकाम के आगे सर तस्लीम खम करते हुए बिजली की फी यूनिट कीमत 34 पैसे और बढ़ा दी गई है। इस तरह हम सब के ऊपर जो है पाकिस्तान और POJK POGP के लोगों के ऊपर 2 अरब 90 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ जो है वो डाल दिया गया है। नाजरीन, इसके साथ मैं आपको ये बताऊं कि किश्तवाड़ जो है उसमें 5 मकामात पर जो है वो NIA ने रेड्स की हैं और उसमें जो है वो टेरर फंडिंग के हवाले से
जो कालअदम जमात इस्लामी से वाबस्ता दहशत गर्द है उनके घरों पर भी छापे मारे हैं और हुरियत के सेक्रेटरी जनरल को भी अरेस्ट किया है मनी लॉन्ड्रिंग में और टेरर फाइनेंसिंग में। इसी तरह पुलिस ने एक मकामी शख्स को अवंतीपुरा रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया गया, उससे एक हैंड ग्रेनेड बरामद हुआ है। जम्मू कश्मीर जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उसने हुरियत के लीडर जो हैं बशीर अहमद मीर उनको मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया है। नाजरीन इस वक्त पाकिस्तान में जो महंगाई है जाहिर है वो पीओजेके और जीबी सब मिला के वो 59 ईयर्स की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। 36.4% जो है वो इन्फ्लेशन है और ये 1964 के बाद पहली दफा ये जो शरह है इन्फ्लेशन की वो इतनी रॉकेट की है। आटा जो है वो 106% महंगा हो गया है। अच्छा नाजरीन यहाँ पे मैं आपको ये भी बता दूं कि जम्मू कश्मीर में बारामूला में दो दहशतगर्द आज मारे गए हैं। उनके पास से एक AK-47 एक पिस्तौल बरामद हुआ है। दोनों दहशतगर्दों का ताल्लुक लश्कर तैयबा से बताया जाता है। एक का नाम शाकिर माजिद है जबकि दूसरे का नाम हन्नान अहमद बताया गया है। तो ये बड़ी अच्छी खबरें आ रही हैं। मैंने जाहिर है इसके ऊपर पूरा एक नक्शा दिखा के आइडेंटिफाई किए थे चार दिन पहले वो इलाके लाइन ऑफ कंट्रोल के जहां पे ये टेररिस्ट लश्कर तैयबा के पहुंचे हैं पहुंचे थे और फिर उन्होंने ये घुसपैठ वगैरह जो आजकल में हुई है तो ये हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने उसका मुकाबला किया उसको नाकाम किया। नाजरीन ये घुसपैठ में इतनी तेजी एक ऐसे वक्त में आई है जब शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का दो रोजा जो समिट है वो गोवा में इंडिया में होने जा रहा है। उसमें बड़ी खबर ये थी कि बिलावल भुट्टो जरदारी फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान वो आएंगे या वर्चुअली जो है वो अटेंड करेंगे। तो अब वो आ गए हैं वो पहुंच गए गोवा आज। लेकिन ये जो दहशतगर्दी और घुसपैठ पाकिस्तान की तरफ से मुसलसल चल रही है इसका क्या मतलब है? और ये उधर से बिलावल भुट्टो जो है वो भी गए हैं, वो कहते हैं कि मैं पीस के लिए जा रहा हूँ और इधर से ये दहशतगर्दी हो रही है। 11 साल बाद पाकिस्तान का कोई इतना हाई ऑफिशियल जो है उसने इंडिया का इंडिया पहुंचा है वो आया है। दौरा तो मैं नहीं कहूंगा क्योंकि ये उनका दौरा नहीं है, ये तो वो मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। तो इसके ऊपर मजीद बातचीत करने के लिए हमारे साथ आपके जाने पहचाने मेजर जनरल AK सिवाज फॉर्मर टेरिटोरियल आर्मी के चीफ 22 साल तक जम्मू कश्मीर में देश की सेवा करने वाले हमारे साथ जुड़े हैं। उनसे हम कोशिश करते हैं कि मजीद जाने बिलावल भुट्टो के हवाले से और SCO जो है इससे क्या हम हासिल करना चाहते हैं। जनरल साहब आपका बहुत स्वागत है, नमस्ते, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। नमस्ते मिर्जा साहब, थैंक यू। जनरल साहब ये बताएं कि बिलावल भुट्टो साहब आए हैं, आप गए उनको मिलने? बिलावल नहीं, देखो ये सच्चाई है कि जो अभी फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान के बिलावल भुट्टो आए हैं और ये एक प्रकार से मल्टीलेटरल फोरम है, ये कोई बायलैटरल इशू नहीं है क्योंकि SCO मीटिंग जो है, देखो एक चीज ध्यान रखना है, ये SCO स्टार्ट किसने किया, इसकी स्टार्टिंग पॉइंट है चाइना और इसलिए पाकिस्तान कभी नहीं चाहेगा कि SCO जो है फेल हो जिस प्रकार से सार्क फेल होगा। अगर नहीं आते हैं पाकिस्तान इस बार तो अगली बार कभी पाकिस्तान के पास प्रेसिडेंसी होगी तो भारत नहीं आएगा। तो सच्चाई है ये एक मल्टीलेटरल फोरम है और इसलिए वो आए हैं, मगर इसमें ये कतई नहीं है कि कोई बायलैटरल इशू डिस्कस होगा क्योंकि जब 2017 के अंदर पाकिस्तान और भारत को SCO में लिया गया था तो ये बड़े साफ सुथरे शब्दों में उनको बता दिया गया था और ये लिखित में लिया गया था कि कोई भी बायलैटरल इशू है ये इसमें SCO में नहीं होंगे। और यही नहीं, कजाकिस्तान और कर्गिस्तान के भी लैंड डिस्प्यूट हैं, उज्बेकिस्तान के साथ भी लैंड डिस्प्यूट हैं, तो वो भी डिस्कस नहीं होते। जैसा मैं अपने व्यूअर्स को बताऊंगा इसके अंदर 8 देश हैं जिसके अंदर रूस भी है, चीन भी है, भारत भी है, पाकिस्तान भी है और 4 जो सेंट्रल एशियन स्टेट हैं कजाकिस्तान, कर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान और तजाकिस्तान।
और ये 2001 के अंदर शुरू हुआ था। भारत और पाकिस्तान जो है इसके मेंबर हैं, 2017 में बने हैं, और अभी इसके जो दो ऑब्जर्वर भी हैं, बेलारूस और ईरान। तो ये सच्चाई है, एक बहुत बड़ा फोरम है। ये 42% पूरी पॉपुलेशन को जाहिर करता है, 20% जो ट्रेड को, 18% जीडीपी को। तो ये एक बड़ा महत्वपूर्ण फोरम है और इसलिए वो अटेंड करने आए हैं। पर मुझे लगता नहीं कि इसके अलावा कोई बायलैटरल इशू हो सकते हैं। भारत के बायलैटरल इशू हुए हैं डिस्कस, जिस प्रकार से डॉक्टर एस जयशंकर और उनके अपने काउंटर पार्ट रूस के सर्गेव लवरोवा से भी बातचीत हुई है, इसी प्रकार चीन के भी जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, जो प्रकार हैं किन गैंग, उनसे भी बातचीत हुई है। पर भारत के फॉरेन मिनिस्टर और जो भारत के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर और पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर के बीच में कोई बायलैटरल ना है ना होने के चांसेस हैं। हाँ, ये जरूरी है कि एक डिनर ऑर्गेनाइज किया था, जो कि एज अ होस्ट भारत के मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने किया है, जिसके अंदर सब को इनवाइट किया है, उसके अंदर बिलावल भुट्टो भी आए हैं। तो मुझे लगता नहीं कि इसके अलावा कुछ और इसमें बातचीत हो सकती है, और ना भारत ने क्यों नहीं कर सकता। भारत बार बार दो बातें बता रहा है कि अगर आपको पीस और भारत से शांति चाहिए, भारत से बातचीत चाहिए, तो पीस के लिए बात करते हो तो आपको ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म छोड़ना पड़ेगा। टॉक्स एंड टेररिज्म कैन नॉट गो टुगेदर। ये पाकिस्तान को बहुत साफ सुथरे शब्दों में बार बार बताया गया है। और दूसरा है, ये जो कश्मीर का जो रट लगाते हो, कश्मीर के बारे में बार बार बात करते हो, ये बंद करें। आप अब देखे जमीन पे कि हालात क्या हैं। अगर कश्मीर की बात होनी है भारत और पाकिस्तान में, तो वो कश्मीर जो पीओजे के है, जिसको इलीगली ऑक्यूपाई किया पाकिस्तान ने, या गिलगित बाल्टिस्तान जिसको उसने ऑक्यूपाई किया हुआ है इलीगली, उसके बारे में बात हो। तो मुझे लगता है कि भारत और पाकिस्तान में बायलैटरल इशू यही हो सकते हैं। जब तक पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म नहीं छोड़ेगा, तब तक मुझे नहीं लगता भारत कभी भी एग्री करेगा पाकिस्तान के साथ बायलैटरल इशू डिस्कस करने के लिए। मिर्जा साहब, तो आप क्या समझते हैं कि इस मौके का फायदा उठाते हुए बिलावल भुट्टो कोई अपनी एक्सक्लूसिव प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं? कर सकते हैं, ऐसा समय बताएगा। पहले वो उनके हिसाब से उनको क्या फायदा है, क्योंकि सच्चाई यह है कि वो जब यहाँ आए हैं तो वो भी अपने बायलैटरल डिस्कशन कर रहे हैं, रूस से भी किया है और उज्बेकिस्तान के साथ भी किया है। क्या वो अभी कोई प्रेस ब्रीफ दे सकते हैं या प्रेस मीटिंग कर सकते हैं? मुझे लगता है इसके बहुत कम चांस है। वो इसलिए क्योंकि उनके पास कुछ कहने को नहीं है कि ऐसा कुछ मल्टीलैटरल इशू के ऊपर वो क्या बोलेंगे। वो जो बातचीत डिस्कस होनी है, हमने जिस प्रकार से भारत ने इस पर लेकर सिक्योर एससीओ कि उसके अंदर सिक्योरिटी भी है, इकोनॉमी भी है, टेररिज्म को भी लेके है, तो ये कलेक्टिव बातचीत हुई है। और वही इस जो इसका फोरम है एससीओ का, इसका कोई बायलैटरल इशू नहीं है। तो मुझे लगता है उनका कोई प्रेस ब्रीफ और या प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, उसके बहुत कम चांसेस लगते हैं, और ना ही कोई बायलैटरल होने के चांसेस लगते हैं। मिर्जा साहब, तो आपने जिक्र किया कि इसमें सिक्योरिटी, रीजनल सिक्योरिटी भी जो है एससीओ में से इस पे बात होती है। तो इस हवाले से जो पाकिस्तान का रोल है सिक्योरिटी को ब्रीच करने में, इसके ऊपर आप समझते हैं कि बात हो सकती है सेशन के दौरान और पाकिस्तान हाँ के बिल्कुल, फॉरेन मिनिस्टर के कान खींचे जा सकते हैं? हाँ बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि देखो ये मल्टीलेटरल फोरम है, इसके अंदर टेररिज्म के लिए बात होगी, जहाँ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म ओब्लिक तरीके से बातचीत होगी इसके अंदर, और जो टेररिस्ट ग्रुप हैं नेशनल और इंटरनेशनल, और या इनडायरेक्टली ये भी मैसेज मिलेगा पाकिस्तान को कि जो इसका डबल फेस है पाकिस्तान का आतंकवाद को लेके, कि वो गुड और बैड टेररिस्ट के अंदर फर्क करता है। वो टेररिस्ट जो भारत की तरफ भेजता है उसको वो गुड भेजता है, लश्करे तैयबा जैसे मोहम्मद, और तहरीके तालिबान पाकिस्तान जो उसके अगेंस्ट है उसको बैड टेररिस्ट। मुझे लगता है इसमें इनडायरेक्टली प्रेशर पड़ेगा पाकिस्तान पे, क्योंकि पाकिस्तान को पता है कि ये सब बातें पाकिस्तान पे लागू होती हैं, क्योंकि पाकिस्तान एक आतंकवाद का गढ़ बन गया है,
और आज की तारीख में पाकिस्तान टूटने के कगार पे तो है, पर आतंकवाद बहुत जोरों से फैला है। अब इस्लामी स्टेट खोरासन ने भी पैर वहां जमा लिए हैं, अलकायदा के पैर जम गए, लश्करे तोबा, जैसे मोहम्मद, तहरीके तालिबान पाकिस्तान। तो मुझे लगता है जब ये बात होगी टेररिज्म के ऊपर तो इनडायरेक्टली पाकिस्तान के ऊपर उंगली उठेगी, और ये पाकिस्तान को भली भांति मालूम है। वैसे वो नकारा करता रहेगा मगर ये सच्चाई है। और इसी प्रकार से टेरिटोरियल सॉवरेंटी और इंटीग्रिटी की भी बात है इस फोरम में, तो उसमें भी कहीं ना कहीं चीन को मुझे लगता है एक कहीं ना कहीं डायरेक्ट मैसेज दिया जाएगा कि जिस प्रकार से जो कार्रवाई उसने की है अप्रैल और मई 2020 में, और या जिस प्रकार से चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर उसने बढ़ाया है गिलगित बाल्टिस्तान में जो कि भारत का हिस्सा है, तो वो वायलेट करता है टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरेंटी। मुझे लगता है ये इनडायरेक्टली मैसेज मिलेगा पाकिस्तान और चीन को, और ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट फोरम है, ये इनको महसूस होगा। मगर इससे ज्यादा को ज्यादा ऐसी बातचीत नहीं होगी, क्योंकि एससीओ जो है एक तो मल्टीलेटर है, एक ये बहुत ज्यादा एक पॉपुलर होता जा रहा है। अब ईरान जो है वो ज्वाइन कर रहा है, उसके बाद आप ये देखें सऊदी अरेबिया भी चाहता है कि एससीओ में मिले, और बाकी देश भी धीरे धीरे इसके अंदर मिलना चाहते हैं। तो ये लगता है कि एससीओ जो है आने वाले समय में ग्रो करेगा, मल्टीलेटरल बनेगा और इस रीजन के बारे में सोचेगा। एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर आती है जब ईरान भी मिल जाएगा, है वो आपकी कनेक्टिविटी। जो कनेक्टिविटी भारत बात करता चाबार से, जो ईरान से बाईपासिंग पाकिस्तान टू अफगानिस्तान, फिर ये सेंट्रल एशियन स्टेट, और फिर ये नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर को जोड़ेगी। तो ये जो एक प्रकार से कनेक्टिविटी है, इसके बारे में भारत ने पिछली एससीओ मीटिंग में भी समरकंद में ये बात आई थी। तो ये एक जो चीज है ये बार बार डिस्कस होगी कि इनके बीच में कनेक्टिविटी, और ये कनेक्टिविटी जो कि सेंट्रल एशियन स्टेट को जोड़ेगी, जो कि आज की तारीख में लैंडलॉक है, और उनको मिलेगा पोर्ट पे आने का चाबार का, और नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर से जोड़ेंगे, तो एक प्रकार खुशहाली आएगी ट्रेड और इकोनॉमी। असलियत में है क्या कि ये जो 8 देश है, अगर इनके बीच के अंदर ट्रेड होगा, कनेक्टिविटी आएगी, टेररिज्म के अगेंस्ट कलेक्टिवली फाइट करेंगे, इकोनॉमिक एक प्रकार यूनिसम आएगा, तो ये पूरे रीजन के अंदर मुझे लगता है तरक्की आएगी, यही इसका मेन एम है। हाँ, इसके अंदर एक स्पॉइल स्पोर्ट है वो पाकिस्तान, मगर उसके साथ रहना पड़ेगा क्योंकि वो चीन का पिट्ठू है, और चीन इसका एक प्रकार से ओरिजिनेटर है एससीओ का रूस के साथ, मगर ये चलना पड़ेगा। मगर पाकिस्तान को ऐसा लगता है कि बार बार उसको मैसेज मिलेगा कि जो ये टेररिज्म के ऊपर या बाकी जो सिक्योरिटी इश्यू में पाकिस्तान को एक प्रकार साफ सुथरा मैसेज मिल जाएगा कि एससीओ मीटिंग में भी उसके ऊपर उंगलियां उठेंगी, जिस प्रकार से टेररिज्म का वो डबल फेस है पाकिस्तान का। मिर्जा साहब, तो इसमें इकोनॉमिक मसाइल पर भी बात होती है, तो आप क्या समझते हैं कि कोई ऐसा इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो पाकिस्तान कोलैप्स हो रहा है इकोनॉमिकली, तो उस वो वहां कोई फायदा उठाएगा इसका, और उसको कोई एससीओ के मीटिंग में इसको जेरे बहस लाया जाएगा, और कोई एड वगैरह या भारत के साथ ट्रेड खोलने के मसाइल पर भी बात होगी? देखो, ये जब इसके अंदर बात होती है इकोनॉमी के लिए ट्रेड के बीच में, ये कलेक्टिव ही होगी, पर जिस प्रकार से पाकिस्तान की प्रॉब्लम अभी है, मुझे लगता नहीं कि उसमें कोई एससीओ मदद कर पाएगा, क्योंकि अब जो उसकी प्रॉब्लम है कि उसको आईएमएफ से लोन मिलना है, $6.5 बिलियन का अप्रूव हुआ था, और उसका जो पहला है $1.1 बिलियन, मगर अब आईएमएफ भी उसको लोन देने को तैयार नहीं है, क्योंकि जो उसने शर्तें लगाई हैं वो पूरी नहीं कर पा रहा पाकिस्तान, स्पेशली जो डिफेंस के लिए उसने बोला 10-15% आपको डिफेंस के अंदर कटौती करनी है, और दूसरा जो बाकी सब्सिडीज हैं गैस ऑयल पे उनके कम करनी है, और बाकी जो नॉन आउटपुट एक्सपेंडिचर उसको कम करना, वो पाकिस्तान अभी तक कर नहीं पाया है, और इसलिए अभी तक उसको आईएमएफ ने लोन नहीं दिया है। और आईएमएफ का लोन लेना मतलब कि अमेरिका से एक प्रकार आपको बातचीत करनी पड़ेगी, क्योंकि उसमें दबदबा है अमेरिका का। तो मुझे लगता है वो अभी लोन के बारे में इधर तो इतनी कोई बात नहीं, क्यों, क्योंकि
चीन ने भी इसकी कोई खास मदद नहीं की है, सऊदी अरेबिया ने भी इसकी खास मदद नहीं की है, श्रीलंका को लोन मिल चुका है IMF से, मगर अभी तक पाकिस्तान को IMF से लोन नहीं मिला है। और ये एक बड़ा चिंता का विषय है पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तान को समझना चाहिए कि जब से पाकिस्तान टूटने के कगार पे अपनी गलतियों से है, मनी लॉन्ड्रिंग टेररिस्ट फंडिंग के लिए वो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने ग्रे लिस्ट में डाला था, अब भी उसका टेररिज्म का जो ट्रैक रिकॉर्ड कोई अच्छा नहीं है, अब जो IMF ने रिस्ट्रिक्शन डाली है उनको भी उसने पूरा नहीं कर पाया है, तो उसको लोन मिल नहीं पाएगा। मुझे नहीं लगता कि कोई SCO उसको इमिजिएटली कोई हेल्प कर पाएगा, क्योंकि जो कंट्रीज हैं, जो स्पेशली चीन और जो मदद कर सकती है, उसने भी इतना कोई खास इसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं दिखाया है, और इसी प्रकार से सऊदी अरेबिया। मिर्जा साहब, तो इस सारे सिनेरियो में ये फिर वही बात होगी कि गुफ्तन नशिस्तन बर्खास्तन, यानी बातचीत करके तो परसों जो है तमाम अपने अपने घरों को लौट जाएंगे। मतलब कॉन्क्रीट तो इसमें से कोई रिजल्ट निकलने वाला नहीं है फिर। आज देखो ऐसा है कि मिर्जा साहब, ये चीजें इतनी जल्दी इसका सलूशन नहीं निकलता, मगर ये सच्चाई है जो कि SCO फोरम है वो धीरे धीरे पॉपुलर होगा। इसके अंदर कनेक्टिविटी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आएगी, इकोनॉमिक लेन देन भी होगा, कनेक्टिविटी बढ़ेगी, आपस में एक प्रकार से व्यापार बढ़ेगा इन देशों के बीच के अंदर। दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट चीज ये होगा कि कलेक्टिव टेररिज्म को फाइट करने की वो भी। हाँ, मैं मानता हूं कि अगर आप हर चीज में यही देखें कि पाकिस्तान एक वीक कड़ी है और पाकिस्तान जो है कि नेगेटिव इंपैक्ट है, मगर उसको साथ लेके चलना पड़ेगा। और ठीक अभी तो है, कोई खास ऐसी चीज मुझे लगता नहीं कि जो इस SCO मीटिंग में आने वाली है, और स्पेशली ये तो अभी अच्छा फोरम एक में। मेरा सवाल है, जरा SCO से हटके मेरा सवाल है, और मेरे पास आखिरी 1 मिनट रह गया है। बात यह है कि देखें जनरल साहब, चाइना भी ईरान अपना अफगानिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, इंडिया वहां पे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स चला रहा है, अमेरिका ने कहा है कि वो तालिबान के साथ मिलकर ISIS खुरासान के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हैं, पाकिस्तान भी उनको सपोर्ट कर रहा है, सऊदी अरेबिया भी दर पर्दा सपोर्ट कर रहा है। तो ऐसे में क्या ये आप भी समझते हैं कि वक्त आ गया कि तालिबान सरकार को रिकग्नाइज कर लिया जाए लेजिटिमेट, एज अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट इन अफगानिस्तान? अब मुझे नहीं लगता मेहता साहब वो वक्त आ गया, क्योंकि सबसे प्रॉब्लम क्या है तालिबान गवर्नमेंट की, उसको किसी ने रेकग्नाइज नहीं किया। और इस बार पिछली बार जब तालिबान 1.0 आया था तो 3 देशों ने किया था उसको, पाकिस्तान ने, सऊदी ने, UAE ने, मगर इस साल इस बार तो उन्होंने भी नहीं किया। क्यों? क्योंकि जो इनके डर एक प्रकार से तरीके हैं, और जिस प्रकार से इन्होंने वुमन को, बच्चों को ट्रीटमेंट दी है, औरतों के प्रति स्पेशली जिस प्रकार से जो तालिबान 1.1 में थी वो की वही चीजें दोबारा आ गई हैं। इसका मतलब ह्यूमन राइट वायलेशन भी है, औरतों के अगेंस्ट बहुत ज्यादा एक प्रकार से वायलेंस भी है, और ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे उनको कोई रिकग्नाइज करे। भारत तो दूर रहा, और देश भी उसको रेकनाइज नहीं कर रहे, मगर ये कतई नहीं है कि अगर रेकनाइज ना करते हुए भी हम पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट बढ़ाना चाहिए, क्योंकि जो हमारे $3 बिलियन के प्रोजेक्ट थे, 78 प्रोजेक्ट थे, मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगा, उसमें से 32 प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गए थे और जो बाकी प्रोजेक्ट थे वो कंप्लीट नहीं थे। अब तालिबान गवर्नमेंट से बात करके भारत बाकी भी प्रोजेक्ट को पूरा कर रहा है, वो कमिटमेंट है पीपल टू पीपल, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट को कुछ नहीं होने वाला, वहां के लोग तंग पाएंगे। तो लोगों के लिए तो हमने गेहूं भी भेजे हैं और वहां पर दवाइयां भी भेजी हैं, पर मुझे लगता नहीं कि इस समय आ गया कि तालिबान की गवर्नमेंट को रिकग्नाइज के, स्पेशली क्योंकि तालिबान की जो गवर्नमेंट है उसके जो भी ऑर्डर आए हैं वो सारे एंटी वुमेन हैं और एंटी चिल्ड्रन हैं और दूसरा माइनॉरिटीज के अगेंस्ट है। तो ऐसे में मुझे लगता नहीं कि भारत उसको रिकग्नाइज कर सकता है, और भारत ही क्या, सही है, और कोई भी देश उसको तैयार नहीं है, मुस्लिम भी किसी देश ठीक ने है, किसी उसको अभी तक ने रिकग्नाइज नहीं नहीं रिकग्नाइज किया। किया, और जनरल साहब का ख्याल है कि अभी वो वक्त नहीं आया कि तालिबान सरकार को रिकग्नाइज किया जाए। तालिबान भी अपने लिए जो है वो इस्लाहात करेगी तो फिर इस पर मजीद बात हो सकती है। नाज़रीन, आज का शो देखने का बहुत शुक्रिया। अब आपसे मुलाकात होगी ट्यूसडे को,
लंदन टाइम 6:30 बजे, उस वक्त तक मुझे डॉक्टर मुजद्दी मिर्जा को इजाजत दीजिए। जय हिंद।